नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बरबरी कोचिंग में। मेरा नाम मोहित शर्मा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों, वो एक प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में कितना लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, कि कोई नॉर्मल जो पर्सन है वो एक दिन में कितने लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने, सी आपके सामने, डी आपके सामने। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 1.8 liters। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए लौह तत्व, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, यहाँ पे लिखना था लेकिन यहाँ पे मायोग्लोबिन लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी रुधिर कैंसर, ऑप्शन नंबर डी खाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रुधिर कैंसर। ये जो है एक ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा है, कि आपकी सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डी फ्रक्टोस, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन नंबर डी शुगर। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए डी फ्रक्टोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है बॉस इंडिकस, ऑप्शन नंबर बी राना टिग्रिना, ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियंस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, होमोसेपियंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाइट लंग डिजीजेस का कारण क्या है? व्हाइट लंग डिजीजेस आर ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए जो कोल की माइंस में काम करते हैं, कोयले की खानों में, ऑप्शन नंबर बी कपड़े की खान में, ऑप्शन नंबर सी रसोई घर में, या ऑप्शन नंबर डी SiO2 का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कि जो आपकी क्लोथ की माइंस में जो काम करते हैं, कपड़े की खानों में जो काम करते हैं, उन्हें व्हाइट लंग डिजीजेस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वितीय बैटरी अवशोषित की जा सकती है, कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी बैटरी है क्या वो रिचार्जेबल है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी कभी कभी, ऑप्शन नंबर डी मुश्किल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यस इट इज़ रिचार्जेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किस किस का संगठन है? गन मेटल किस किस का संगठन है? ऑप्शन नंबर ए टीन तथा लेड, ऑप्शन नंबर बी कॉपर तथा टिन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर टिन तथा जिंक, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ टिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉपर तथा टिन तथा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच किसे दर्शाती है? जो पीएच स्केल है वो किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विलयन की अम्लता व क्षारता को, मींस एसिडिटी और बेसिसिटी को, ऑप्शन नंबर बी कड़वेपन को, ऑप्शन नंबर सी ताकत को, या ऑप्शन नंबर डी पावर ऑफ हाइड्रोजन को। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, विलयन की अम्लता व क्षारता को, एसिसिटी और बेसिसिटी को। जो पीएच स्केल होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो ऑप्शन आपके सामने लिखी है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो विलयन की अम्लता को दर्शाता है, जो 7 से पीछे आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं लेफ्ट हैंड साइड को, वो सारी की सारी एसिसिटी को बताती हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें रहेंगी, और जितनी भी आपकी कड़वी चीज़ें होती हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, वो 7 से आगे को उनका पीएच वैल्यू रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पनडुब्बी चलाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ताकत का, ऑप्शन नंबर बी दिमाग का, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन का, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईक्लोरोमीथेन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी चौक CaCO3, ऑप्शन नंबर डी मार्श गैस CH4। तो राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी CHCl3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कैसी राशि है? सदिश, अदिश दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सदिश मींस स्केलर क्वांटिटी, सॉरी अदिश मींस स्केलर क्वांटिटी, सदिश मींस वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मींस दोनों स्केलर और वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखो जो हमारी अदिश राशि है वो होती है स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड
लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें यानी कि सदिश राशियों की बात करें, तो सदिश राशियां वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अदिश राशि है कार्य हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर सी थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर डी कुदरत का करिश्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट लॉ। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वही है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शतरंज के खेल में कितने खाने होते हैं, कि जो शतरंज का जो खेल है उसमें आपके शतरंज के खेल में कितने खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 81, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 64। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 64 जो होते हैं आपके चेस में बॉक्सेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल होती है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स, ना कि परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 आपके स्थाई हैं और 10 आपके अस्थाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नोबल भौतिकी पुरस्कार किसे दिया गया, मीन्स सबसे पहला नोबल फिजिक्स में किस भारतीय को दिया गया, खुराना को, ऑप्शन नंबर बी सी वी रमन को, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सी वी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट्स के लिए उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ओजोन दिवस, ऑप्शन नंबर बी किसान दिवस, ऑप्शन नंबर सी कारगिल विजय दिवस, या ऑप्शन नंबर डी पुलिस स्मृति दिवस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन किन के बीच में है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत व चीन, जर्मनी व फ्रांस, या कनाडा व अमेरिका। तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही था प्रीवियस क्वेश्चन का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। तो इसका आपका राइट आंसर जो है 41 का इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो आपके माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के समय कृषि का धंधा कैसा था, ए ऑप्शन गौण था, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक था, ऑप्शन नंबर सी अप्रधान था, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, गौण भी था और अप्रधान भी था। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर डी ए और सी सही है, कि ऋग्वेद के समय जो कृषि का धंधा था वो गौण था, क्योंकि ऋग्वेद के समय आपके आर्य आए थे और वो समय कृषि नहीं करते थे, क्योंकि वो भी इधर से उधर भटक रहे थे ताकि उन्हें कोई अच्छी सी जगह मिल सके रहने के लिए, तो वो कृषि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो कृषि जो थी उनकी सेकेंडरी थी। सेकेंडरी का मतलब होता है दोस्तों गौण या अप्रधान, जो प्राथमिक होता है वो होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी जो इन्हें कहा जाता था, प्राइमरी जो प्रेफरेंस देते थे ये, तो प्राइमरी प्रेफरेंस ये देते थे जानवरों को, गायों को, लेकिन जो कृषि रहती थी कृषि को ये सेकेंडरी कहते थे, क्योंकि कृषि एक जगह पे तो नहीं होती थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि भारत का सूत्र वाक्य क्या है, तो इसका सही उत्तर रहेगा सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सूत्र वाक्य है जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी आर्यों से, इधर ऑप्शन नंबर डी स्टार प्लस होना चाहिए था बुद्ध धर्म की जगह। तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मुंडकोपनिषद से जो है आपका सत्यमेव जयते लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी बाबर, सी सिकंदर लोदी, यहाँ पे डी आना था खिज्जर खां। तो 44th का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बाबर को, बाबर ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 45th, आज़ादी से पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आज़ादी से पहले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एस पी सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर डी रामू चोक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सर एस पी सिन्हा जो थे हमारे सबसे पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, कर्नल अलकाट, विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राजा राम मोहन राय। विश्व का ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी की, विश्व की सबसे ऊंचाई पर कौन सा शांत ज्वालामुखी है? ऑप्शन नंबर ए एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर बी ओजस डेल सलाडो, ऑप्शन नंबर सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर डी किलायू। तो इसका ऑप्शन नंबर 47th का ए सही है, एकांकागुआ। ये जो है आपका साउथ अमेरिका में है, एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग कहाँ से लिया गया है, कि जो इम्पीचमेंट है वो किस कंट्री से भारत के संविधान में ली गई है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका 48th का ऑप्शन नंबर ए सही है, यूएसए, अमेरिका से जो है महाभियोग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की, बी भाषा की बात, सी पंचायत की बात, डी दल बदल की बात। तो 49th का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो भाषा की बात की गई है। और भाषा के आधार पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एस पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर प्रसाद? तो बताइए, हु इज़ द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? तो इसका सही ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल बर्बरी कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात और, अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टूडेंट जो बर्बरी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन में बताए, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया होगा। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये पेपर जो स्टूडेंट्स इस समय आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जो पुलिस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए इसी तरह से प्रैक्टिस सेट वीक टू वीक आते रहेंगे, इसी तरह बर्बरी कोचिंग से जुड़े रहें। थैंक यू।